स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से में देखने के लिए मिल रहा है कि जब से पार्टी वाला ड्रामा हुआ है तब से कुलश्रेष्ठ परिवार बहुत ज़्यादा गुस्सा है गुनगुन और उसके परिवार से। इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने अनुभव और गुनगुन का रिश्ता भी तोड़ दिया है। लेकिन भाई आप सभी देखने वाले हैं कि गुनगुन के पापा कुलश्रेष्ठ परिवार वालों से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई भी उनसे सीधे मुँह बात नहीं करेगा। वो सबसे माफ़ी मांगेंगे लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा। अब भाई एक और गोलू चाचू हैं जिन्हें लगता है कि गुनगुन बिल्कुल सही है, गुनगुन के इन सब में कोई गलती नहीं है। लेकिन एक और दूसरे घर वाले हैं जिन्हें गुनगुन हर तरह से गलत लग रही है। वहीं आप देखेंगे कि अब बड़े पापा ने सोचा है कि होगी अनुभव की शादी, उसी दिन उसी मंडप में उसी मुहूर्त पर होगी, लेकिन दुल्हन वो नहीं होगी। सभी ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो किस लड़की से शादी कराएंगे। और तब आप देखने वाले हैं कि बड़े पापा कहेंगे कि उन्होंने आकृति से उनके पापा का नंबर लिया है। वह आकृति जो यहाँ पर दिखावा करके सबको इम्प्रेस कर चुकी है कि वो एक बहुत संस्कारी बहुत अच्छी लड़की है। अब घर वालों को वो पसंद भी आ चुकी है। अब सभी ये चाहेंगे कि अनुभव आकृति से शादी कर ले, लेकिन तब गोलू चाचू कहेंगे कि वो जितना सीधा बनने का नाटक कर रही है हो सकता है आकृति उतना ही दिखावा भी कर रही हो। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अनुभव और गुनगुन के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा, क्या होगा शो में, कैसे इनकी शादी होगी। वहीं आकृति और माया का सच कब कितनी जल्दी और कैसे आता है सबके सामने, ये जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस पर कभी कभी इत्तेफाक से।